बैंक और हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये दोनों शेयर जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं? 5 से 10% का अपसाइड हमें दोनों शेयर के अंदर देखने मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है, या फिर एक दिन में नहीं देखने मिलेगा तो फिर हमें पूरा हफ्ते के अंदर देखने मिल सकता है। और दो बड़ी अपडेट्स आई है दोनों शेयर से रिलेटेड, तो सीधा वीडियो के अंदर डाइव करते हैं और हमें मैं आपको टारगेट और सपोर्ट लेवल भी दूंगा एंड विद प्रूफ सारे चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। अगर हम बात करें HDFC बैंक, पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 2% अपसाइड गया, 3% अपसाइड गया, एंड अगर आप देखो तो क्वार्टर 2 के जो क्वार्टर 1 के अर्निंग कॉल थे ना, क्वार्टर 1 के अंदर नेगेटिव मूवमेंट आया था EPS के अंदर, क्वार्टर 4 के अंदर भी हमें नेगेटिव देखने मिला था और क्वार्टर 3 भी हमें नेगेटिव देखने मिला था। EPS में थोड़ी गिरावट आई थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें गिरावट आई थी, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हमारे एनालिस्ट बता रहे थे कि इसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। HDFC बैंक के रिजल्ट के अंदर अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट अच्छा 17% बढ़ चुका है, अगर आप देखते हो तो 8,834 करोड़ की इम्प्रूवमेंट आई है, प्लस अगर आप देखो तो 17% की ईयर ऑन ईयर राइज हुई है हमारे रेवेन्यू के अंदर। और बाकी सारी चीज़ें आपके स्क्रीन के सामने, हमारे इसके अंदर जो इनकी इनकम है वो भी अच्छी तरह से रोज हुई है और NPS थोड़े से फ्लैट है जो हमारे इन्वेस्टर्स ने प्रेडिक्ट किया था। मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एंड मार्केट इसे रिवॉर्ड भी करेगा। मंडे के और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, पूरे ट्रेडिंग वीक के अंदर हमें अच्छा खासा अपसाइड HDFC बैंक की तरफ से देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें, इसका एक टारगेट आया था हमारा, वो टारगेट भी अचीव होते हुए हमें कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। MK ग्लोबल की तरफ से 1850 का टारगेट आया था और अभी शेयर अगर आप देखो तो शेयर हमारा अराउंड एकदम एग्जैक्ट पकड़ लेते हैं 1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों, आप 1800 के टारगेट को लेकर भी कंसीडर करके, आने वाले टाइम के अंदर कंसीडर करके चल सकते हो। 1850 का टारगेट आप इसके अंदर लेके चल सकते हो। 1613 पे स्ट्रेट था, तब जाके 1800 का टारगेट था और अभी 1680 पर हो चल रहा है शेयर, आने वाले टाइम में 1780 पर भी चले जाएगा और धीमे धीमे देखते हुए 1850 पर भी चले जाएगा। आप इसको 1850 के टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हो। सेकंड शेयर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के अंदर अगर आप देखो तो 5% का अपर सर्किट भी लगते हुए हमें देखने मिला था एंड जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर पागल थे, अगर आप देखो तो लास्ट के कुछ 5 to 10 minutes के कैंडल स्टिक्स अगर आप देखो तो इसको एकदम ऊपर की लेवल मिली है, बहुत ज़्यादा अपसाइड इसके अंदर क्रेजी बना हुआ है और मार्केट के लैम्प लाइट में भी ये रहता है। अगर आप देखो तो इन्वेस्टर्स की इसके अंदर जो कॉल आई है प्लस इसका जो रिजल्ट आया है, दोनों हमें जो कंसोलिडेटरी प्लस स्टैंड अलोन बहुत ही अच्छी तरह से बनते हुए देखने मिल रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का Q2 रिजल्ट कंसोलिडेटेड मोर प्रॉफिट मोर देन डबल्स टू ₹418 करोड़, जो पिछले साल इनका प्रॉफिट था उसका प्रॉफिट डबल हो चुका है एंड दोस्तों अगले साल इसका प्रॉफिट और डबल हो जाएगा। दोस्तों डीमार्ट रुकने नहीं वाला है, डीमार्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं मंडे के टारगेट्स तो HDFC बैंक और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के अंदर दूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको नहीं सेल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो ये इग्नेटियस नविल नोरोहन जो भी है, इनके इंडिया के रिचेस्ट CEO है, इन्होंने अपना जो स्टेक है वो हमारे डीमार्ट के अंदर सेल आउट किया है। प्लस अगर आप देखो तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो टारगेट प्राइस ICICI सिक्योरिटीज ने कुछ 2 से 3 महीने पहले बताया था वो अराउंड 3000 का बताया था और बताया था कि 1 साल का ये जो टारगेट है वो हमें देखने मिलेगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कि टाइम फ्रेम इज मेंशन टू 1 ईयर और यहाँ पर लिखा है कि अभी प्राइस 3340 चल रही है एंड जल्दी ही हमें ये 3000 के लेवल्स पर देखने मिलेगा। दोस्तों वैसा तो हुआ ही नहीं और अभी शेयर 5000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सो दोस्तों यही होता है हमारे जो बड़े बड़े टारगेट्स है उसको एकदम ब्लाइंडली लेना, और इस टाइम पर कई सारे लोगों ने सेल आउट किया था अपने शेयर को और जिसके पास पोर्टफोलियो के अंदर 2000 के रुपए पर भी शेयर था उसने भी सेल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ICICI सिक्योरिटीज बहुत ट्रस्टेड ब्रोकर है, इन्होंने बता दिया। दोस्तों कुछ बताया नहीं, 3340 का लेवल चल रहा था तभी हमारे ये इसका एवेन्यू सुपरमार्ट्स का, और जो हमारे इनको टारगेट बताया था वो 300 पॉइंट्स के नीचे बताया था, यानी 3300 का लेवल चल रहा था उस टाइम पे और 3000 का लेवल बताया था कि 3000 का लेवल टच हो जाएगा। दोस्तों वो तो हुआ ही नहीं और आज हमारा जो 3 महीने बाद हमारा जो शेयर है वो 5000 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 3 महीने के अंदर भी कंपाउंडिंग वर्क करती है, डबल बैठ है दोस्तों, डबल कमाया। यही कह रहा हूँ कि ये भी इन्होंने जो अभी लेटेस्ट इनकी अपडेट आई है ना कि इन्होंने अपना स्टेक सेल आउट कर दिया। दोस्तों क्यों देखना है? हाँ बड़े CEO होंगे, हाँ इंडिया के रिचेस्ट CEO होंगे, लेकिन देखना क्यों है हमें इनका?
मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि क्या अगर वॉरेन बफे जी भी अगर कल होके कुछ शेयर खरीद ले या फिर कल होके कुछ शेयर बेच दे, तो उसको हमें ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। हर एक बंदा कभी ना कभी रॉन्ग जाता है, एंड मैं तो कितनी बार गया हूँ, एंड मैंने आपके सामने वो जो है वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी की है। सो एक्सेप्टेंसी इज़ द की, मैंने आपको बताया भी है। मैं हम हर एक वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में जो इंट्रो है, आई नो कि वो कितना ख़राब लगता है, लोग उसको स्किप कर देते हैं, बट स्टिल मुझे डालना पड़ता है बिकॉज उसके अंदर मेन जो चीज़ है वो डिस्क्लेमर है, एंड डिस्क्लेमर ही जो मेन है वो रहता है। तो दोस्तों यही बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ डीमार्ट की तरफ से आ रही है, आप मुझे बताना कि आप डीमार्ट का शेयर सेल आउट करके आप डीमार्ट के ही शॉप के अंदर बाइंग करोगे, मतलब डीमार्ट के शॉप के आपका घर का सामान मंगाओगे, तो ये एक नाइंसाफी हो जाएगी। अगर आप डीमार्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको डीमार्ट का शेयर सेल आउट करने की कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि डीमार्ट का शेयर इतना अच्छा है। अगर आप डीमार्ट के प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, अगर आप एज अ कस्टमर सेटिस्फाइड हो, तो डेफिनेटली आप एज एन इन्वेस्टर भी सेटिस्फाइड रह सकते हो। अगर हम बात करें डीमार्ट का और हमारे ये HDFC बैंक का, सो सबसे पहले तो डीमार्ट का बताना चाहूँगा कि डीमार्ट के अंदर अपसाइड आ सकती है, 300 से 400 पॉइंट्स की मूव हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मैं तो मिनिमम से मिनिमम 200 पॉइंट्स की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो इसके अंदर 250 पॉइंट्स की मूव आई थी, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम 200 पॉइंट्स की मूव आ जाए, एंड मैक्सिमम 350 के आसपास की मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में डबल हो चुका है प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट बनाकर देगा। HDFC के बारे में बात करें, HDFC बैंक अगर आप देखो तो HDFC बैंक मुझे लगता है कि 1700 के ऊपर ही ट्रेड करेगा, और अगर इसका क्रेज़ ज़्यादा रहा, लोगों ने जिस प्रकार से इधर मूवमेंट दी है, इधर वाली मूवमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर 1700 के लेवल्स ओपन मार्केट के अंदर ही आते हुए देखने मिलेंगे, यानी 9:15 को जब ये मार्केट खुलता है तो 9:15 के आसपास ही हमें ये लेवल्स टच होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इतने अच्छे रिजल्ट पेश करने के बाद एवेन्यू सुपरमार्ट का क्या होता है और वहीं पर हमारे HDFC का क्या होता है। क्योंकि देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट तो डेफिनेटली हमारा गैप अप तो ओपन हो गए, इतना मुझे ऐसा भरोसा है, क्योंकि इसके अंदर AMO ऑर्डर्स जिस प्रकार से लगे एंड जिस प्रकार से लोगों ने क्रेजीली बाय किया है शेयर को, इसके अंदर हमें एक जो मार्केट के लैम्प लाइट के अंदर ये हमारा डीमार्ट और हमारा सेकंड नंबर पर HDFC देखने मिलेगा। सबसे ऊपर तो हमारा डीमार्ट हमारे स्टॉक इन न्यूज़ में भी देखने मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये टॉप गेनर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को आप फॉलो करो या फिर कुछ भी करो, आप बस ये टारगेट्स किस लॉजिक से मैंने बताया है वो देखने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने ये जो टारगेट्स है ये एकदम एंड ऑफ दी वीडियो के अंदर रखे हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो कि टारगेट्स एंड ऑफ दी वीडियो में हो, तो आपको फायदा हो कि इन जनरल जो है टारगेट्स एकदम एंड में बता दिया, ताकि जो लोग इसके अंदर पेशेंटली बैठे हैं उनको ही ज़्यादा फायदा हो, वरना जो खाली टारगेट देखने के लिए गया है वो डेफिनेटली लॉस करेगा, एंड देन ही विल ब्लेम मी, एंड ये मेरी गलती है ही नहीं, इसलिए मैंने टारगेट्स लास्ट में रखे। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और जो बनाने का तरीका है वो कैसा लगा, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। एंड वीडियो का एंड करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो एग्जिट कर लेना, बट आप एक बार ज्वाइन कर लो, एक दिन वेट करो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जय हिंद।